नमस्कार, न्यूज़ क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। दिल्ली हिंसा, जेएनयू छात्र उमर खालिद हिरासत में। देश में 92,000 से ज़्यादा नए मामले, एक दिन में 1,136 मरीजों की मौत। विपक्ष के विरोध के बीच प्रश्नकाल के निलंबन का प्रस्ताव लोकसभा में मंजूर। अपने कृषि सलाहकारों को निकालिए मोदी जी। फरवरी के महीने में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा करीब 3 दिन तक चलती रही, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उस हिंसा के नतीजे हमारे सामने आज भी मौजूद हैं, जिससे हमें दिखता है कि आम लोगों के घर दुकानें नष्ट हो गई हैं। वह लोग जिन्होंने अपने परिवारों को खो दिया है, आज भी इंसाफ के इंतज़ार में हैं। इस मामले की जाँच में दिल्ली पुलिस के कई रंग देखने को मिले हैं। ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी से शुरू हुआ सिलसिला आज पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद तक पहुँच गया। 13 सितंबर को करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले कोरोना वायरस महामारी के दौरान दंगे से जुड़ी तमाम गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और राजनेता शामिल हैं। यहां इस बात पर अत्यंत जोर देना जरूरी है कि पुलिस ने बीजेपी नेता कपिल मिश्रा से एक बार भी पूछताछ नहीं की है, जिन पर इल्जाम था कि उन्होंने यह दंगे भड़काए थे। उनकी वीडियो भी मौजूद है, जिसमें वह पुलिस अधिकारियों के साथ खड़े होकर नफरत भरी और हिंसक टिप्पणी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज 14 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 92,071 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 1,136 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 77,512 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या 48,46,427 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश का रिकवरी रेट बढ़कर 77.99% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 37,80,107 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। लेकिन कोरोना से अब तक 79,722 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 9,86,598 हो गई। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 5,72,39,428 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 9,78,500 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई है। आज अंततः तय हो गया है कि संसद के इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के विरोध के बीच में सरकार ने संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल एवं गैर सरकारी कामकाज के निलंबन से जुड़े प्रस्ताव सोमवार को लोकसभा में रखा, जिसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है। विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल के निलंबन का विरोध किया और सरकार पर सवालों से बचने का आरोप लगाया, जिस पर सरकार ने कहा कि यह असाधारण परिस्थिति है जिसमें राजनीतिक दल का सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं रखने पर अधिकतर दलों के नेताओं ने सहमति दी थी और प्रश्नकाल नहीं होने पर भी सदस्य सरकार से सवाल कर सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सवालों से भाग नहीं रही है और वह सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। संसद ने प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज के निलंबन से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है और यह सवाल उठता है कि क्या सरकार वाकई सवालों से भाग रही है, क्योंकि विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है। पंजाब और हरियाणा में भाजपा के सहयोगी दल कृषि से संबंधित जून 5 को लाए गए अध्यादेश से नाखुश हैं। सरकार के वर्तमान रवैये से आमदनी दुगनी होने की बात तो छोड़िए, कृषि संकट और गहरे होने के आसार ज्यादा दिख रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर न्यूज क्लिक ने अजय वीर जाखड़ से बात की, आइए सुनते हैं उन्हें। आज मेरे साथ चंडीगढ़ से जोड़ रहे हैं श्री अजय वीर जाखड़, जो भारत कृषक समाज का अध्यक्ष है और पंजाब राज्य में फार्मर्स एंड फार्म वर्कर्स वेलफेयर कमीशन, यानी कि कृषक और जो जो कृषि क्षेत्र में जो मजदूर है उनके हित के लिए जो संस्था बना है पंजाब सरकार का, उनके भी अध्यक्ष है। अजय जी, धन्यवाद, आपके साथ मैं 2.5 महीने के बाद दोबारा मैं बातचीत कर रहा हूं। और इस बीच में हम देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा के, पंजाब के, उत्तर भारत के अलग अलग जगह में किसान अत्यंत नाराज है, अस्थिरता हम देख रहे हैं। 10 सितंबर जो चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच जो राजमार्ग है नेशनल हाईवे 22, 4 घंटे के लिए सड़क बंद कर दिया, वो पीपली चौक में कुरुक्षेत्र में।
वहां पे बीकेयू भारत कछा किसान यूनियन के लोगों ने बोला किसान बचाओ, मंडी बचाओ, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और क्या विरोध कर रहे हैं। एक तो है जिस तरह से उनका कहना है कि सरकार जो MSP है, न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है, ये कह रहे हैं अब हटा रहे हैं, और पूरा जो मंडी का जो व्यवस्था है, मंडी सिस्टम, जो कृषक लोग आरोप है इनकी कि आप इनको एकदम कमजोर कर, तो इसमें राजनीति भी आ गया। मगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आज क्यों इतना अस्थिरता हम देख रहे हैं भारतवर्ष के किसानों के बीच। ये जो जून महीना का 5 तारीख जो केंद्र सरकार जो 3 अध्यादेश लाए हैं, केंद्र सरकार ने कहा ये देश के हित में है, किसान लोग के हित में है, फिर भी लोग क्यों इतने नाराज हैं। परंजा जी, बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहली बात यह है कि सरकार 3 अध्यादेश लाई है किसानों की मदद करने के लिए, और किसान इससे असहमत हैं, और ये बात सरकार के समझ में है। दूसरी बात है कि किसानों की आशंकाएं क्या हैं आज के दिन इन 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 अध्यादेशों से। तो मैं उसका उदाहरण देता हूं कि सरकार, लोग समझते हैं कि ये अध्यादेश आने से जो हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, यूपी में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे धान की या कनक की, गेहूं की जो प्रिक्योरमेंट होती है, उसको रोक दिया जाएगा, या उनको ये आशंका है कि ये एक अनलिमिटेड प्रिक्योरमेंट जो थी उसको बंद कर दिया जाएगा। और ये आशंकाएं सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके मंत्री, उनके संतरी उनको नहीं मिटा पाए हैं। बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रियों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने, बीजेपी के एलाइज ने बोला है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी, परंतु किसान इससे सहमत नहीं है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि रहेगी तो हम भी समझते हैं रहेगी, पर किस फॉर्म में रहेगी हमें आप ये बताओ। क्या आप उसकी अनलिमिटेड प्रोक्योरमेंट बंद कर देंगे, क्या आप MSP बढ़ानी बंद कर देंगे, या क्या आप शर्तें लगाएंगे उसके बारे में। सो ये सब आशंकाएं सरकार नहीं मिटा पाई है, और उनकी ये जो स्टेटमेंट बार बार ये दे रहे हैं कि MSP रहेगी, उससे और लोगों को घबराहट होने लग गई है। अजय जी, हम देख रहे हैं कि ये जो सरकार, आपने पहले भी कहा था, ये जो अध्यादेश लाए थे, सरकार कह रहे मैं राज्य सरकार का अनुमति लिया, मगर बहुत सारे राज्य सरकार कह रहे हमारे से बातचीत भी नहीं हुई, अनुमति की बात तो भूल ही जाइए। तो अचानक आपने एक अध्यादेश लाया है, आपका कोई संसद के अंदर कोई बातचीत नहीं हुई, आप कह रहे एक तरह से आप संघी ढांचा में विश्वास करते हैं, आप भारतवर्ष का संविधान में जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, जो जो सहकारी एक सद्भाव है, मगर राज्य सरकार, और ये मैं भारतीय जनता पार्टी का राज्य सरकार छोड़ के कह रहा हूं, बाकी सारे राज्य सरकार अत्यंत नाखुश है। और एक समय आप कह रहे थे कि कानूनी तरह से ये अध्यादेश को भी शायद हमारे सबसे उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे, तो ये आप कानून व्यवस्था में समझा दीजिए, क्योंकि ये जो कृषि ये विषय है हमारे संविधान की कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि समिति सूची में है, मगर ये है कृषि उत्पादन, मगर जो जो व्यापार का बात होता है इसमें तो केंद्र सरकार तो आ ही जाता है। पहली बात, किसान समझते हैं कि जो कानून, और सरकार भी ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट वही करेगी जो केंद्र सरकार उनको कहेगी। लोगों का और राज्यों का मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट पे उनका ट्रस्ट खत्म हो गया है, विश्वास खत्म हो गया है, और इसीलिए उनको न्याय मिलने की ऐसा लगता नहीं है कि वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। और आप ये भी समझें कि पंजाब सरकार ने, पंजाब विधानसभा ने, नॉट सरकार ने, पंजाब विधानसभा ने ये प्रस्ताव पास किया है कि तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं। पंजाब ऐसी सरकार है जिसने ये अध्यादेश पास किया है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमें MSP की गारंटी दी जाए, ये पंजाब विधानसभा ने पास करके दिया है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो एलाइज हैं, जैसे जैसे हरियाणा में, पंजाब में, अलग राज्यों में, वो भी इस अध्यादेश से खुश नहीं है, परंतु उनमें बोलने की आज के दिन हिम्मत नहीं है सरकार के खिलाफ। और क्योंकि आप देखें, जो बीजेपी का वोट बैंक है, वो इतने सालों से जो वोट बैंक है वो 1 अरबन वोट बैंक है, और बीजेपी के एलाइज का जो वोट बैंक है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे चौटाला साहब की पार्टी हो, ये सब रूरल वोट बैंक है, तो उनका भी वोट बैंक जो है वो हिट हो रहा है।
जो आड़तियों की इनकम है, जो आड़तियों को कमीशन मिलती थी इन राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट एजेंसी से, उसको भी खतरा है। तो मेरा मतलब कि एक बहुत विचित्र स्थिति है, जबकि बीजेपी के एलाइज भी उन इस कानून से खुश नहीं है, पर वो दबाव में है, वो बोल नहीं रहे हैं, और जो विपक्ष है वो तो बोल ही रहा है। तो आप कह रहे हैं कि पंजाब विधानसभा में श्रोमणी अकाली दल, हरियाणा विधानसभा में आपका दुष्यंत चौटाला का जो राजनीतिक दल, इन सब लोग नाखुश हैं, तो फिर केंद्र सरकार, ये जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का ये जो गठबंधन में जो भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल, इनके बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? नहीं, ये तो इन पार्टियों के जो नेता हैं वही बता सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि इन पार्टियों के जो समर्थक हैं, जो किसान समर्थक इतने 10-20-50 साल से थे, जो लाल जी के जुड़े थे, जो प्रकाश सिंह बादल साहब के साथ जुड़े हुए थे, वो समर्थक जो पुश्तों से समर्थक थे इन पार्टियों के, वो आज महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ एक बिट्रेयल हो गया है, उनके साथ एक धोखा हो गया है। और मैं समझता हूं कि जो इन पार्टियों की जो लीडरशिप है, जो नई लीडरशिप है, ये उनका दायित्व है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट तक उनके वर्करों की, उनके किसानों की, जिनके वोटों से ये बने, ये बात पहुंचाएं। और ये भी माना जा रहा है कि इस लोकसभा के स्तर जो अभी आने वाला है, लोकसभा जो सेशन चालू होने वाला है, ये तीनों ऑर्डिनेंस उस लोकसभा में लेके आए जाएंगे। और परंजॉय जी, सरकार ने ये अध्यादेश लाने से पहले विचार विमर्श नहीं किया किसान संस्थाओं से, स्टेट से, वो एक हकीकत है। परंतु ये अध्यादेश अनाउंस होने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन करी है, संजय अग्रवाल जी जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी बहुत कंसल्टेशन करी है अध्यादेश आने के बाद। तो मैं समझता हूँ कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी तरह मालूम है कि क्या क्या किसान संस्थाओं की, स्टेट्स की इस अध्यादेश से क्या क्या उनके नाराजगी है। और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो जब पार्लियामेंट में यह अध्यादेश आएगा, उसमें जो जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स होने चाहिए, वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उनको लेके आएगा पार्लियामेंट में, ये उम्मीद ही कर सकते हैं हम। अब क्या लेके आएगा वो तो जब पार्लियामेंट में कानून पेश होएगा तभी पता चलेगा। आपका जो लेख इंडियन एक्सप्रेस में 9 सितंबर में आए हैं, उसमें आपने खुद लिखा है कि MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो न्यूनतम एक समर्थन जो मूल्य है, ये एक तरह से मैक्सिमम सेलिंग प्राइस हो गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो बिक्री का जो मूल्य है ये क्यों? मैं समझता हूं कि केवल बीजेपी सरकार की नहीं, मैं समझता हूं कि उससे पहले यूपीए सरकार का भी इन्फ्लेशन को टारगेट करने का एक पॉलिसी थी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, और मैं भी समझता हूं रखना चाहिए कंट्रोल में। परंतु बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बेसिकली अर्बन क्लास वोट बैंक है, उनको फूड इन्फ्लेशन से बहुत भड़क जाते हैं वो, और फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए जो एग्रीकल्चर कमोडिटी की कीमतें हैं उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और कोई भी एग्रीकल्चर कमोडिटी की कीमत आप देखेंगे कि MSP से अधिकतर, मेरा मतलब 80-90% कीमतें MSP से नीचे ही रहती हैं पूरे साल। और इसीलिए मैंने कहा कि सरकार की पॉलिसी अब ये नहीं है कि कम से कम सरकार को मिनिमम, लोगों को, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, सरकार की नीति है कि मैक्सिमम, इससे ज्यादा सपोर्ट प्राइस दें। अगर कीमतें मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर बढ़ती हैं तो वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट करेंगे और कीमतों को नीचे लाएंगे। न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।